महानुभाव देवी और सज्जनों, मैं कश्मीर के उस राज्य खानदान से मेरा वंश जुड़ा है जिसे उठाकर ऐसे बाहर किया गया जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है, और उसके किरदार जाता है हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि क्या पर्सनल वैमनस्य था उस राज वंश से मैं नहीं जानता, लेकिन वो वहां पे उस राज वंश को हटाकर एक और राजवंश स्थापित कर गए, जिसे उनको अपने समय में ही एक बंदा तो खारिज करना पड़ा, लेकिन वो पूरी की पूरी खपत आज हमारे सर पे पड़ी है। और एक नई कॉलोनाइजेशन है साहब कश्मीर में, डोगरों ने, डोगरा योद्धाओं ने तो तलवार के बल पे पूरे कश्मीर को इकट्ठा किया था और जम्मू कश्मीर का प्रांत बनाया था। अब साहब हम एक नई कॉलोनाइजेशन देख रहे हैं, और ये कॉलोनाइजेशन वहाँ उल्टे पांव बरेली को वो बेचारे डोगरों के सर पड़ी है, और बेचारे लद्दाख के लोगों के सर पड़ी है, और वो एक नई कॉलोनाइजेशन, एक नई ब्लेटेंटली कम्युनल डिस्पेंसेशन के नीचे। आई विल नॉट मिंस वन वर्ड, ना मैंने आज तक किया है और आई एम नॉट अबाउट टू स्टार्ट। हमारा रोना ये है साहब कि मैं भी अपना दिल खोल के रो दूं, क्योंकि हम सब उसी गिला से तड़फ रहे हैं। हमारा रोना यह है साहब कि जिनको हमने चुन के भेजा कि साहब आप तो कर दो, अरे तुम्हारे 4.5 साल तो क्या, तुम्हारा 5वां साल अब आने वाला है, और क्या किया है, एक बड़े कर्ता धरता हैं, अब राम माधव जी हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं साहब, हम तो छोटी हस्ती हैं। वो हम किसी एक कश्मीरी समुदाय का ऐसे ही हो रहा था, तो उनसे मेरी भेंट हुई, तो बातचीत शुरू हुई, तो मैंने बोला देखिए साहब, राम माधव जी, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि सेना में हमारे पास एक ही मापदंड है कि भाई तुम कितने धुरंधर हो, कितने बड़े योद्धा हो। तुमको रात को बोले कि यार मुझे टाइगर हिल चाहिए, सुबह मैं एज अ कमांडर सिर्फ ये चीज बोलूंगा यार टाइगर हिल किधर है। सर मैं लेफ्ट हुक मार रहा था और 22 स्ट्रोक आनी थी वहां से, तोप यहां से, कट ऑफ ग्रुप, टू हेल विद यू, इज हैव यू डिलीवर्ड टाइगर हिल, यस नो, नो है तो गेट लॉस्ट, चूल्हे में जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे कमांडर की जरूरत नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सैकिंग यू, आई एम सेंडिंग यू होम वेर यू बिलोंग विद द लेडीज एंड द चिल्ड्रन, ठीक है। तो बात थोड़ा गर्मी अगर गर्मी पे आ गई, क्योंकि मामला रोष का है, मामला जेनोसाइड का है। आपने उठा के एक पूरा समुदाय उखाड़ के फेंका है, जो बेचारे सर्दी बर्फ में रहने वाले, आपने उनको जम्मू की लू में सहाया है तंबुओं के नीचे, और कितने साल सहाओगे तुम, कितने साल सहाओगे तुम। और मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा, राम माधव जी आप महानुभाव हैं, बड़ी महान हस्ती हैं, मुझे सिर्फ एक आंकड़ा बताइए, आपने कितने कश्मीरी पंडित वापस भेजे, प्लीज। उस वक्त 2.5 साल ही हुए थे, आप भी थे उस पे, कि कितने कश्मीरी पंडित आपने वापस भेजे हैं। अब मेरे मुंह पे लाल रंग होते देख के कुछ दोस्तों ने पीछे खींचा, यार रहने दो रहने दो, नहीं बख्शी साहब नाराज ना हुए। मैं कह नहीं, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि कितने भेजे। मैंने कहा कि इसके पहले आप इसका जवाब अटेम्प्ट करें, मैं आपको बताता हूं 0। जो 2-3 अटेम्प्ट हुए थे वो नंदी मार्ग मैसेकर, ये मैसेकर, वो मैसेकर, काट मारे, कत्ल कर दिया वहां पे उनका, ठीक है साहब। और मैं बताऊं आपको, मैंने कहा साहब एक NIT इंस्टीट्यूशन है आपके वहां श्रीनगर में, वहां के बच्चे जब वहां पे मैच हो रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के, तो नारे लगे, तो वो जो बच्चों में बड़ा रोष आ गया कि उनको लगा कि एक राष्ट्रभक्ति की लहर फैल रही है और हम उस लहर पे उठ के यहां का निजाम बदली कर देंगे। तो वो बच्चे साहब भारत का झंडा लेके वो कैंपस के उन्होंने गेड़े मारे, जैसे पंजाबी में बोले जाता है, गेड़े लगाए साहब। 2 कंपनी साहब J&K पुलिस की वहां पे आई, 9 बच्चों की हड्डियां तोड़ दी, 20 बच्चे अस्पताल में डाले, बताइए साहब मैं गलत बोल रहा हूं तो, 20 बच्चे अस्पताल में डाले, और वहां सारा कैंपस साहब खाली होके जम्मू और दिल्ली में।
मैंने कहा साहब ये हमारी अचीवमेंट है, बताइए प्लीज। मैं एक फौजी की तरह से आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ कि जो कश्मीरी पंडित हमारे 4.5 लाख आए थे उनमें जरा ये भी 20,000 शायद जोड़ लीजिए, ये हमारी अचीवमेंट है। वो मेरे से बहुत नाराज हो गए और मैं छोटी समझ वाला बंदा हूँ, इतनी राजनीति की समझ नहीं है मुझे। तो वो कहने लगे बख्शी जी आप मुझे बताइए वो वहां पढ़ने गए थे या पॉलिटिक्स करने गए थे। तो हमने उनसे धीरे से बोला राम माधव जी ये आपने जेएनयू के लड़कों लौंडों को पूछा, ये आपने वो जो कहां है वो बंगाल के पास वो वहां पे अपना जादवपुर यूनिवर्सिटी में पूछा, हैदराबाद में पूछा कि ये पॉलिटिक्स करने आए हैं या ये पढ़ने आए हैं और देश का झंडा फहराना पॉलिटिक्स है तुम यार, इज इट पॉलिटिक्स, इज नॉट ब्लडी पॉलिटिक्स, ये मेरा देश है। और आप जानते हैं फेसबुक पे आपने देखी होंगी वो तस्वीरें जिसमें वो झंडे, इस देश का झंडा ट्रैश कैंस में डाल दिया गया था। एक लड़का यहां से जोश में गया वो वहां श्रीनगर में झंडा फैलाने, ऐसी मार मारी है, ऐसी मार मारी है वहां पे। और जब पाकिस्तान के और आईएसआई के झंडे फहराए जाते हैं तो हमें बोला जा रहा था ये तो बच्चे हैं साहब, जब हमारे जवानों के सर फोड़े जा रहे थे हमें कहा जा रहा था साहब ये तो बच्चे हैं साहब, यार बड़े खतरनाक बच्चे हैं यार, भटके हुए हों या लटके हुए हों ये माफ कीजिए बड़ा खतरनाक ये है। एक देश में एक निजाम हो सकता है, 50 निजाम नहीं हो सकते। अगर सिरसा हरियाणा में, लेट मी आस्क यू डायरेक्ट, अगर सिरसा हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा वाले रॉयट करते हैं तो पुलिस को एक अच्छा टफ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता चला गोली, नोबडी कैन टेक द लॉ इनटू हिज ओन हैंड, चलाओ गोली चलाओ। और 36 एक दिन में भारत के नागरिक मर जाते हैं, चार घंटे के अंदर 36 नागरिक मर जाते हैं। कोई पेलेट गन नहीं चली, कोई वाटर होज नहीं चला, कोई छर्रे नहीं चले साहब, सीधा गोली चली, 36 नागरिक वहां पे गिर गए। किसी पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, किसी ह्यूमन राइट ग्रुप ने बवाल खड़ा किया, लेकिन अगले दिन साहब वहां पे पूर्ण रूपेण शांति थी, पूर्ण रूप से शांति थी, क्योंकि जो करना चाहिए था वो कर दिया गया, बेवजह किसी को सर नहीं चढ़ाया गया। देखिए साहब कश्मीर की लड़ाई हारने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यह बुनियादी लड़ाई है, क्योंकि यह बुनियादी लड़ाई है। क्यों बुनियादी लड़ाई है? आप कहते हैं सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमने डाला है ना साहब शब्द सेक्युलर। अरे साहब मैं फौज से हूं, जहां हम किसी का धर्म जात मजहब नहीं पूछते। हम तुम्हें कहते हैं कि जब तुम आए फौज के अंदर, अरे अपना जात पात अपना कास्ट अपना मजहब बाहर गेट के रख के आ जा, तू हिंदुस्तानी है बस। ठीक है साहब, पार्टीशन के टाइम पे हमारे जो 150 जो मिलियन 15 करोड़ से ज्यादा जो हमारे यहां पे मुसलमान भाई हैं वो पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं ठहर गए। बिकॉज जो भी कुछ रीजन हो कि शायद उनमें विश्वास था कि यहां वो रह सकते, यहां उनका कत्लो गारत नहीं होगा, इसी डर से। नहीं तो जिसका कत्ल होने वाला होता है वो रह जाता है, उसको उम्मीद थी कहीं नहीं यार इतने गए लोग नहीं है इस देश के, वो रह गए। उनमें से कई कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र मरणोपरांत, ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र मरणोपरांत, इन लोगों ने कुर्बानी दी। आप मुझे बताइए इफ यू लेट 5 मिलियन मुस्लिम्स ऑफ द वैली गो ओनली ऑन द बेसिस दैट दे आर मुस्लिम्स, व्हाट राइट विल यू हैव टुमारो टू हैंग ऑन टू 150 मिलियन इंडियन मुस्लिम्स लॉयल सिटीजन्स, बताइए। लेकिन यहां पे बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही कहा, यहां एक तबका है
अब बिका हुआ है या क्या उसको तकलीफ है? हमारी हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे राजतंत्र में, विच इज बेंट अपॉन गिविंग कश्मीर, दे देना चाहता है। लड़के मर गए हमारे लड़के, अरे तुम उन लड़कों की जान वापस दे सकते हो? अरे तुम उन विधवा को उसका आदमी वापस दे सकते हो? उस अनाथ को उसका बाप वापस दे सकते हो? 10,000 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, और यहां तो साहब की कैसे दिया जाए, कैसे फैसिलिटेट किया जाए? मैं हवा में नहीं बात कर रहा, मैं जम्मू की पैदाइश हूं, आई एम इक्वली स्टेट सब्जेक्ट, और कोई ना मुझे बोले कि मेरे को बोलने का हक नहीं है, तुमसे ज्यादा हक है, ठीक है साहब? और मैं आपको बताता हूं, मेरी पूरी जिंदगी वहां लड़ते लड़ते गुजर गई है। और जब मैं किश्तवाड़ में सेक्टर कमांडर था, ये तो बिचारों ने आज बताया कि किस तरह लीगल तरीके से, किस तरह गवर्नमेंट फियाट से पटवारियों के रास्ते वो जो है वहां पे आप एक कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, आप डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2000 से 2002 के एंड तक मैं वहां पे सेक्टर कमांडर था किश्तवाड़ में, और मेरे सामने मैंने वहां जाके कैंपेन शुरू किया। मैंने कहा मेरे प्यादा नहीं, मेरे को चाहिए किसी प्यादे की लाश नहीं चाहिए। एक प्यादा मरता है, 10 बेचारे बच्चे को वहां से कोई खड़ा करके ले आता है क्रिकेट के बहाने। मुझे उनके टॉप कमांडर चाहिए, मुझे खासतौर पाकिस्तानी चाहिए जो बिना वीजा बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए हैं। ये कोई रंडी खाना है? ये कोई रंडी खाना है? नहीं आ सकते तुम मेरे घर में बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा, आओ तो सालों तुमको पहुंचाएंगे, गाड़ के रखेंगे तेरे को। हमने मारने शुरू किए, सारे चुन चुन के पाकिस्तानी डिविजनल कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, तहसील कमांडर ढेर लगा दिए साहब वहां लड़कों ने भी, पीछे पड़ गए दांत भींच के। मैंने कहा मैं भी नहीं तुमको छोड़ूंगा जब तक तुम नहीं करोगे तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा नमक का हक अदा करो, मारो इनको जिसके हाथ में हथियार है। बी नाइस टू द पीपल, बी नास्टी टू द टेररिस्ट, समझ गए? मुझे आवाम से कोई लड़ाई नहीं, मुझे लड़ाई है इनसे जिसके हाथ में कलाश्निकोव है, तो मारे। तो मुझे बोला गया बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे, ये मैसेज आया पार से, सोर्सों के थ्रू बताया गया बख्शी साहब देख लेंगे। मैंने समझा बख्शी साहब के ऊपर कातिलाना हमला होगा। मैंने कहा यार है इतना माँ का दूध पिया साले, जगह बता, टाइम बता, मैं आ जाऊंगा अपनी फौज के साथ। वैसे भी तुमको ढूंढता रहता हूं, वैसे भी तुमको ढूंढता रहता हूं, मैं हाथ नहीं चढ़ते हो मेरे, तो आ जाओ बताओ। मैंने आई टोल्ड माई डिप्टी कमांडर की थोड़ा टाइट कर लो सिक्योरिटी, टेल द बॉयज टू बी दिस थिंग। बोला अच्छा है, ढूंढ ढूंढ के लिए जिसको मरे जा रहे हैं खाक की लाइक डीड लेना हेस्टा, खुद चल के आ जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी किसी कमांडर को। मैंने कहा ठीक है, मेरे पे हमला नहीं हुआ साहब, मैं 24 घंटे वहां घूमता रहता था, मैं हार्डली आई स्टेड इन साइड दैट हेडक्वार्टर। हफ्ते में 3 या 4 दिन बाहर मेरा ऑर्डर्स थे मेरे लड़कों को कि आई विल बी गोइंग अराउंड, मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ। हमला हुआ साहब, एक गांव है पति महल, पति महल गांव है, बस में बेचारे हिंदू वहां के जा रहे थे, पांचों को नीचे नाम बोलो नाम बोलो नाम बोलो, तुम इधर तुम इधर तुम इधर, ले जाके उनको ऊपर नाले में ले गए पति महल, और 5 मार डाले, एक छोटे बच्चे को छोड़ दिए, जाके बता देना बख्शी साहब को, बता देना बख्शी साहब को, तू दादा इधर पे दादागिरी दिखाएगा ये करेंगे। ये हाल 5 साहब उस गांव में मारे, बवाल खड़ा हो गया, ये क्यों कैसे? उस वक्त अपने अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, वहां से दबाव पड़ा, डंडा पड़ा नॉर्दर्न कमांड को, तो नॉर्दर्न कमांड को मैंने बोला मेरे पास 3 पलटने थी, हैं आपने एक पलटन हटा ली डिस्पाइट माई रिटन रिक्वेस्ट की साहब मत करिए, मत अनकवर करिए किश्तवाड़ को। आपने बोला नहीं रोड ज्यादा जरूरी है, तुम शटअप। मैं कहता मैं शटअप हो जाऊंगा, और अब मैं उतना ही दोषी हूं शटअप को मानने का, मैंने रिजाइन नहीं किया इसलिए कि यहां लड़ना जरूरी है। मैं रिजाइन करूंगा, कोई नया बंदा आएगा 1 साल तो समझने में लगेगा। तो एनीवे एक हफ्ता हुआ साहब, टागुड़ गांव है, जानते हैं आप सब वहीं के, टागुड़ गांव है, 8 मार डाले, फिर बवाल, फिर ये मैं भी वहां पहुंच गया, ये किया वो किया, बारिश पड़ चुकी थी,
और क्या करते थे कि वो बंदे को ऐसा छोड़ते थे कि 28 से 32 घंटे 48 घंटे बाद खबर पहुंचे किश्तवाड़, तब तक कुत्ते भी लेके जाओ तो ट्रेस नहीं कर सकते थे। तीसरी जगह गए साहब वो लोग, वो जाके गुलाबगढ़ में मारे एक हफ्ते बाद, और 13, और कहां मारे साहब, वो VDC थे हमारे गांवों के अंदर, और वो लड़के अच्छे थे, उनको World War I की राइफलें दे रखी थी वो, कि तुम तब तक होल्ड करो तब तक तेरी आवाज सुन के ही हम गोली की आ जाएंगे। VDCs में गांव पे हमले नहीं हुए साहब, गांव के बाहर जो चरगाहें हैं जहां औरतें बच्चे बूढ़े जाते हैं गर्मी में, याद है ना आपको जब मक्की की फसल लगती है तो सब मवेशी माल लेके ऊपर जाते हैं, 70 साल के बुढ़े, 80 साल की दादी और छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उनको साहब पकड़ा वहां पे, लेटा दिया उसके फ्लोर ऑफ द धोक पे और उसको राइफल दिखाया, खेला उनके साथ, ये क्या है, ये राइफल है, ये क्या है, ये गोली है, अब खाओ है? और ठट 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 करके वो 13 के 13 मार डाले, छोटे से बच्चे को छोड़ दिया, लगाई लफड़ जोर से कि जा साले वो बख्शी को बता देना, जा बता देना। और साहब बवाल खड़ा हो गया, बख्शी साहब यू शुड पुट इन योर ब्लडी पेपर्स, यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट डू ये वो ये। मैंने कहा हाँ साहब मैं फिट तो नहीं हूं, लेकिन एक चीज मैं भी आपको बता रहा हूं कि इस इलाके को संभालूंगा तो मैं संभालूंगा, दिस इज माई चार्ज, सरकार ने ये मेरे को आदेश दे के भेजा, अब मैं संभालूंगा, मुझे आपकी रीइन्फोर्समेंट मैं संभालूंगा। एंड व्हाई आई विल डू इट इज बिकॉज आई डिड नॉट पुट इन माई पेपर्स एट द टाइम यू टुक आउट अ बटालियन। और मैं जाके साहब, दो पलटने थी मेरे पास रह गई, 11 राष्ट्रीय राइफल्स, 26 राष्ट्रीय राइफल, बड़ी तगड़ी पलटने हैं इस फौज की, एक कंपनी उससे ली, एक कंपनी उससे ली, एक प्लेटून अपने कैंप से ली, कोई 13-15 गाड़ियों का बड़ा काफला बनाया, 3-ton गाड़ियों का है साहब, और आगे लगाया साइरन, वाह 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 करते मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने कहा साहब कॉर्डन सर्च, तो लड़के मेरे पास आए बोले सर आप जो हुक्म दोगे हम करेंगे, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिलना आपको। वो भागे गए, उसको 48 घंटे हो गए सर, वो नहीं है सर। मैं कहता हूँ नेवर द लेस यू विल डू कॉर्डन एंड सर्च, वी ट्राई एंड फाइंड आउट हु डिड इट, किसने किया ये वो। 2-3 दिन कॉर्डन सर्च हुई साहब, तो वो गांव के सारे बुड्ढे मेरे पास आ गए, साहब जी हमने नहीं किया। तो मैंने कहा यार मैंने बोला तुमने किया, मैं तुमसे सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूँ कि बता दीजिए किसने किया। तो उन्होंने आपस में खुसर पुसर के कहते सर एक मिनट, और फिर वो सारे के सारे आए, कहते साहब हम सब इकट्ठे आपको बोल रहे हैं ताकि हमें बाद में कोई ना बोले कि किसी एक ने मुखबिरी करी, हम सब आपको बता रहे हैं साहब ये अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, इन्होंने ये किया है साहब, और दो ये गुज्जर गाइड थे, ये नाम है उनके, ये लोगों ने आके मारा है साहब। मैं कह ठीक है साहब, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ, लेकिन कल सुबह मैं गुलाबगढ़ के स्कूल में तमाम जो 10-15 गांव आसपास के हैं, ऑल एबल बॉडीड मेल्स फ्रॉम 16 to 60 मेरे को यहाँ चाहिए और आप लोग आएंगे साथ में। वो आए वहाँ पे, तो मैंने उनको लाशों की ऐसे वहाँ पावर पॉइंट प्रोजेक्टर लगाया और लाशों की मैंने उनको तस्वीरें दिखाई। ठीक है साहब, और मैंने लेसर पॉइंटर लिया, ये कौन है बताइए, आप जानते हैं साहब ये मुन्नी है, कितने साल की थी साहब, 7 साल की, ये कौन है साहब, ये उसकी बहन है साहब, ये कितने साल की थी, ये तो 5 की थी साहब, ये लड़का कितने का था, ये 8 का था साहब, ये कितने, ये बुढ़ा कितने का था, ये 80 का था, और ये बुढ़िया ये 78 की थी। मौलवी साहब थे वहां पे, वो भी आए थे। मैं कहा मौलवी साहब जरा कुरान शरीफ में एक आयात है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। बोल बिल्कुल है साहब। मैंने कहा आप प्लीज सुना दीजिए क्योंकि मैं बिल्कुल वो अल्फाज नहीं जानता। तो उन्होंने पढ़ के सुनाया। मैंने कहा आप देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि अबू मुस्तफा, एक मेरा पैगाम आपने भेजना है मेरे कुछ दोस्तों के नाम, अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर, तुम्हें जहां भागना है तुम भाग लो, हिंदुस्तान की फौज अब हाथ धो के तुम्हारे पीछे है, भागने गए बाकी टेररिस्ट, टू हेल विद द अदर टेररिस्ट, चाहे मुझे एक हफ्ता, चाहे एक महीना, चाहे एक साल लगे, जहन्नम के कोने से मैं
तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, क्योंकि तुमने कुरान शरीफ की हुक्म अंजुली करी। तुमको लड़ना है, तुम हमसे लड़ो, हमें लड़ने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये औरतें बच्चे छोड़ो, अब तुम भुगतोगे इसका और अल्लाह ताला का तुम जो है खौफ देखोगे। साहब ये खबर पहुंच गई सब जगह कि जनरल साहब ब्रिगेडियर साहब थे तब, ये बोल के आए हैं। मैंने कहा सब वापस आ जाओ, कॉल ऑफ ऑल ऑपरेशन, कॉल ऑफ ऑल ऑपरेशन, वापस आ जाओ। और बहुत वहाँ जम्मू कश्मीर की वादी में बहुत देशभक्त लोग भी हैं जिनका नाम हम ले नहीं सकते, जो अपनी जान पे खेल के खबर देते हैं हिंदुस्तान की फौज को कितने रिस्क पे, आप नहीं जानते। वो आ गया मेरा लड़का, बोला साहब तूने जो धमकी दी ना बहुत अच्छा किया। तो बोले क्यों? तो बोले साहब अपनी छाया से डर रहे, किसी गांव में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहते, अगर कोई उनकी तरफ देखता है उसकी पिटाई शुरू करते हैं, तू साले मुखबरी करेगा। तो कहता साहब बात यह है कि जिस गांव में जा रहे हैं वहां से खबर आ रही है। मैंने कहा कहानी कॉमेडी बंद कर, अभी किधर है? तो उसने बताया हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, लड़े वो अपनी जान के लिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो घिर गए थे चारों तरफ से। और जैसे ही हमने घेरा डाला, हमको रेडियो पे मैसेज आए टेररिस्टों के, अरे बाप रे अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर दुश्मन के घेरे में है, फौज के घेरे में है, अरे कुछ करो, ये फौज उनको बहुत बुरा हाल करेगी, बहुत जान की प्यासी हो गई, कुछ बचाओ बचाओ, कुछ फायर खोलो, ये खोलो वो खोलो। हम समझ गए ये वही है। मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को भेजा था, मैंने कहा बेटा मैं आ रहा हूं, I want them dead. हमले किए कई सारे, जंगल के बीच में खुला इलाका था जैसे कि फुटबॉल का मैदान, एक इंच कवर नहीं। 3 लड़के थे हालत, पहले 2 मिनट में घायल हुए, एक लड़के की यहां पे लगी माथे से और यहां से निकल गई और वो फड़फड़ा रहा है जिंदा। तभी कहते हैं ना हमारे फौजियों के दिमाग नहीं होते, जिंदा फड़फड़ा रहा। तो वो मेरा CO हिल गया बेचारा, कहता सर 4 तो मैंने गिरा दिए मेरे और मैं ऑपरेशन कॉल ऑफ कर रहा हूँ सर, नहीं तो ये बच्चे मर जाएंगे सर। तो मैंने कहा यार तेरे लड़के मैं निकालूंगा, उनको मत जाने देना, कसम तेरे को तू उनको मत जाने देना। उन्होंने किया, मैं कहा आप असॉल्ट असॉल्ट बंद करो, इससे और नुकसान होगा, आप फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो, रूसी हथियार है थर्मोबारिक वेपन फ्लेम थ्रोअर। कहता सर कोई सिविलियन हुए तो? मैंने कहा बहुत सीधा, लाउडस्पीकर लीजिए और अनाउंस कर दीजिए कि अगर कोई सिविलियन है प्लीज़ बाहर आ जाइए, हम आपको कुछ नहीं करना चाहते, हाथ खड़े करके बाहर आ जाओ, हम 10 गिन रहे। अंदर से पंजाबी में माँ बहन की गाली आई। तो मैंने कहा यार देख एक चीज़ तो तय है कि हमारे कश्मीरी भाइयों को पंजाबी में इतनी बढ़िया गाली देनी नहीं आती जितनी यहाँ पे मेरे को भी सुनाई दे रही ये नेट के ऊपर। कहता हाँ सर है तो कोई नहीं। तो मैंने कहा तो फिर कर, फिर भी डाउट है तो ये ले मेरे से ऑर्डर, आई ऑर्डर यू टू यूज द फ्लेम थ्रोअर थर्मोबारिक वेपन नाउ, कंप्लाई बिकॉज आई डोंट वांट मोर कैजुअल्टी टू माय बॉयज। लगाया साहब वो धोख, 400 फुट ऊपर लपटे गई, 400 फुट ऊपर लपटे गई साहब, 2-3 घंटे जल के वो राख, वो सब चीड़ के पेड़ थे, गोंद थी, राख हो गया। 1 घंटा लगा ठंडा होने में। जब हम वहाँ गए तो हमें बॉडी शॉडी तो आप छोड़ दीजिए, हमें हड्डी के चूरे मिले जहाँ रीढ़ की होती है, मोटी टांग की हड्डी होती है, ये सब थी वहाँ, लाइनें थी। हाँ 3 AK-47 थी जिनका वुडवर्क सारा जल गया और जो बैरल ऐसे मुड़ गया, इतनी गर्मी थी वहाँ पे साहब, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, AK-47 का बैरल जो सिर पे मारो सिर पट जाता, वो ऐसे मुड़ गया। ठीक है साहब, और मैंने कहा इसकी खूब फोटो खींचो, एविडेंस हमको चाहिए। खूब फोटो खींची, मैंने कहा अब मैं गुलाबगढ़ जाना चाहता हूँ। बोले साहब ये रात होगी। मेरे को कोई बात नहीं, उनको बोलो सुबह मैं आ रहा हूँ और वहाँ पे सारे गांव वाले मेरे को चाहिए। फिर प्रोजेक्टर लगा, पहले हमने वो लाशें दिखाई औरतें बच्चों की, मैंने कहा अब देख लीजिए मालिक का फैसला, हमारा इंसान कौन होता है मारने वाला, ये मालिक का फैसला है। मैंने कहा ये लोग जल के मरे, सब ऐसे देख रहे थे। मैं कहा नहीं समझ नहीं आया ना, ये लेसर पॉइंटर लेके, मैं कहा रीढ़ की हड्डी, ये टांग, ये और ये AK-47 देख लो, ये ऐसे हो गई साहब। उस वक्त सब दुनिया वहां ऐसे करके देख रही थी,
ये सितंबर 2001 की बात है, लेकिन एक बात है साहब, सितंबर 2001 के बाद वहां पे माइनॉरिटी का एक बंदा नहीं मरा। वो पराक्रम में हमको हटा लिया गया, और जब हमारी फौजें जा रही थी तो उस वक्त हमने रेडियो सेट पे इंटरसेप्शन, अबे फौज जा रही है, बोले यार बाकी सब कुछ करना, हिंदू नहीं मारना यार, ये तो ये पागल कुत्तों की तरह वापस आ जाएंगे, हिंदू नहीं मारना, और वहां नहीं मारा। अभी पिछले साल एक वो वहां पे हुआ है, वो भी किश्तवाड़ शहर के अंदर, वो भी पता नहीं लोकल था या क्या था, लेकिन वो है। तो साहब तरीका ये है, अगर आपने आप को महाशक्ति कहते हैं तो हम नहीं कहते कि आप चीन जैसे बर्ताव करो, लेकिन जिसके हाथ में हथियार है उसे तो भुगतना होगा साहब, और उसके खिलाफ नरमी करना, और पत्थर भी हथियार। मैं कहता हूं कि ये सारा फसाद का जड़ तब खत्म होगी, माफ कीजिए हरि सिंह साहब गए, जो ये दूसरे खानदान हैं इनको भी जाना पड़ेगा, ये जो दूसरे राज खानदान पैदा हो गए हैं ना साहब, ये दो तीन खानदान वहां की गद्दी के लिए लड़के लद्दाख पे राज करना चाहते हैं, कारगिल पे राज करना चाहते हैं, जम्मू वालों का इलाका छीनना चाहते हैं जैसे वो बता रहे हैं, तो साहब इसका एक सीधा इलाज है, ट्राइफर्केशन आप करिए। थ्री यूनियन टेरिटरीज विद द फोर्थ, यू डिफाइन दैट फोर यूनियन टेरिटरी एंड यू प्लीज मेक इट अ लॉजिकल थिंग, ताकि कोई किसी के गले ना चढ़े, कोई किसी को तंग ना करे, और अगर पाकिस्तान बीच में हस्तक्षेप करता है तो मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील है, आप प्लीज वो करिए जो आपने कहा था, आप प्लीज वो करिए जो आपने कहा था, आपकी फौज हाथ फड़फड़ा रहे हैं, हम लोग भी तंग आ चुके हैं 30 साल से यहां लाशों के जो दौर यहां गिरते जा रहे हैं, कब तक चलेगा, अब प्लीज हलाल मत करिए, हमें झटका कर दीजिए, मरेंगे तो हम मरेंगे लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में नहीं है साहब, प्रॉब्लम पाकिस्तान में, प्रॉब्लम की जड़, फसाद की जड़ पाकिस्तान में, एंड यू विल हैव टू डू इट। 35A को मत हटाइए, शौक लगी, मैं बताता हूं, 35A को मत हटाइए, 35A से ही जो बाद के ऑर्डर हैं इलेक्शन कमीशन की वहां पे लगी है, और कई सारे ऑर्डर हैं जो हमारी सरकार ने सेफ्टी सिक्योरिटी को रखते हुए दिए, आखिरी बार 35A का इस्तेमाल करिए और 4 यूनियन टेरिटरीज बना दीजिए, उसके बाद आप 35A और 370 आपको हटाने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज J&K स्टेट की एंटिटी ही खत्म हो गई, और जो होना चाहिए हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट वो हमारे पास है, उसके बाद हम देखते हैं साहब कौन कश्मीर को लेता है। प्लीज सेंड अ क्लियर कट मैसेज कि साहब प्यार से बात करोगे, प्यार ही प्यार है, आप हमारे हो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हथियार उठाओगे वो भी पाकिस्तान के, तो देन आई एम सॉरी, आपको इस देश की फौजों से निपटना होगा, और उन फौजों के ऊपर थोड़ा सा हाथ खुला है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा तो हाथ खुला है, क्योंकि वहां पे पहले हमारे कमांडर, आर्मी कमांडर को अपोलोजाइज कराया गया, किस लिए साहब, कि 3 बैरियर है, एक सज्जन को बोला प्लीज ठहर जाइए अपना पहचान दिखाइए, वो धाड़ से मार के, अब साहब राजा खानदान है, धाड़ से मार के पहले बैरियर से निकल गए, दूसरे बैरियर से निकल गए, अब तीसरे पे नेचुरली हल्ला हो गया और उस गार्ड ने मारी गोली और वो बेचारे वहां पे खत्म हो गए, बवाल खड़ा हो गया, जलियांवाला बाग, ये बाग, वो बाग। तो साहब ऐसा है, उस वक्त हमारे आर्मी कमांडर को अपोलोजाइज कराया गया, उस वक्त उस जवान के खिलाफ एक्शन हुआ गोली चलाने के लिए, तिहाड़ में है वो, और सब वहां फौज की आपने ऐसी तैसी कर दी, फिर फौज की कुछ बची खुची कोई इज्जत रह गई हो वर्दी वालों की, चाहे फौज हो चाहे CRPF, आपने दिखाया कि देखिए ये कितनी सहनशील फौज है, मारिए लात, एक और मारो, देखो कुछ नहीं कहा इसने, अरे साहब वो बेचारा गरीब
अपनी पेट के लिए, अपने कमाई के लिए, अपनी खानदान को देखने के लिए उसने वर्दी डाली है, लेकिन यह वर्दी हिंदुस्तान ने दी है उसे, आप उस वर्दी की तोहिन मत कराइए, प्लीज डोंट, यू जस्ट लेट पीपल डू देयर जॉब और सब ठीक हो जाएगा। जय हिंद।